आप देख रहे हैं श्रावस्ती तक न्यूज़। पुल के नीचे तालाब में उतरता मिला विवाहिता का शव, देखने वालों की लगी भीड़, लोगों ने पुलिस को दी सूचना। श्रावस्ती जनपद में महिलाओं की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, कहीं दहेज की प्रताड़ना तो कहीं पारिवारिक कलह को लेकर विवाहिताएं काल में गाल में शमा जा रही है। जनपद में महिलाओं की लगातार हो रही मौत को लेकर सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के हसना भारी गांव के पास का है, जहां आज सुबह समय थान मंदिर के निकट पुल के नीचे बने तालाब में एक 24 वर्षीय विवाहिता पूनम की लाश उतराते हुए पाई गई। बताया जा रहा है महिला कल शाम से ही लापता थी, जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। सूचना पर पहुंची गिलौला पुलिस ने महिला के शव को तालाब से निकालवा कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा है कि पूनम पत्नी कैलाश निवासी हसना भारी कोरीपुरवा की परिवार में कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला लापता हो गई थी। आज सुबह उसकी लाश तालाब में मिली है। वही मृतका के भाई का आरोप है कि ससुरालियों ने मारकर तालाब में फेंक दिया है। गौरतलब है कि जनपद में 10 दिनों के भीतर लगभग आधा दर्जन विवाहिताओं की कहाँ की रहने वाली थी? सगरीपुरा की रहने वाली थी, हसना भारी कोरीपुरा में शादी किए थे मनीराम कैलाश के यहाँ। तो क्या मैटर हुआ है? अब पता नहीं सर, मैटर हमको नहीं पता क्या हुआ। झगड़ा बाल तंग करते थे दहेज के लिए। आपको सूचना कब मिली? सूचना दूसरे लोग गांव दूसरे गांव के आज दिए हैं, तब आए हैं। ये लोग सूचना भी नहीं दिए हमको। मार के तब गया है, बताया नहीं। आपका अपना श्रावस्ती तक यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।